अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, सभी भाई बहनों को आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूं कि आप सब भी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हम लोग आंगन में डिजाइन बनाए थे तो उसका लिपाई पूरा उखड़ गया है और झाड़ू लगाने से भी बहुत ज्यादा उसका गर्दा उड़ने लगता है। तो दोस्तों, इस बार बारिश की वजह से हम लोग का लिपाई वाला आंगन ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया, नहीं तो अच्छे से टिक पाता। इस बार बारिश के चक्कर में जो हम लोग आंगन में छबाई किए थे वो पूरा उखड़ गया, इसीलिए हम लोग का लिपाई भी नहीं टिक रहा है। तो चलिए दोस्तों, आंगन का सिंपल तरीके से ही लिपाई कर देते हैं तो आंगन हम लोग का ठीक हो जाएगा और धूल वगैरह भी नहीं उड़ेगा। तो दोस्तों, सफ़ेद मट्टी में मैं आंगन का किनारा बना लेती हूँ तो दिखने में भी अच्छा दिखेगा, फिर मैं काला मट्टी से बीच का लिपाई कर दूँगी। तो दोस्तों, आंगन का जब हम लोग डिजाइन वाला लिपाई किए थे तो सासू अम्मा घर में नहीं थे, जब वो आकर देखे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। तो दोस्तों, इसको मिटाने का तो बिल्कुल भी हम लोग का मन नहीं था, लेकिन झाड़ू लगाने से बहुत ज़्यादा धूल उड़ रहा है, इसीलिए हम लोग को मिटाना पड़ रहा है। तो इस बार ज़्यादा बारिश नहीं हुआ होता तो हम लोग का आंगन अच्छा होता। तो ये देखिए दोस्तों, आज बोर्ड देने के लिए जाना है तो उसी का पर्ची दिए हैं घर में, तो इसी को हम लोग लेकर जाएंगे बोर्ड देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, घर का काम जल्दी से निपटा लेते हैं, फिर आराम से जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, आंगन सिंपल तरीके से ही लिपा रहा है, फिर भी कितना अच्छा हम लोग का आंगन दिख रहा है। साइड साइड में डिजाइन भी है और बीच में मस्त सिंपल लिपाई भी है। तो दोस्तों, आंगन का लिपाई पुताई करने के बाद मैं बरस वगैरह भी कर चुकी हूँ। इधर देखिए, बुलबुल भी उठ के बरस वगैरह भी कर ली है। और दोस्तों, हम लोग बहुत दिनों से मछली भी नहीं खाए हैं और आज खाने का भी मन कर रहा है, तो उधर रोशनी के दादा मछली मारने वाले को बुला लिए हैं। चलिए दोस्तों, अब मछली को जाकर देखते हैं कितना बड़ा बड़ा हुआ है, क्योंकि मछली का बीज डाले हुए काफी ज्यादा दिन हो गया है। तो चलिए देखते हैं कितना पकड़ाता है। तो चलिए दोस्तों, इधर देखते हैं, लगता है कि मछली पकड़ना शुरू कर दिए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग का तालाब, इसमें तो बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, तो पता नहीं ऐसे में मछली पकड़ाएगा कि नहीं। तो दोस्तों, ये दादा नहीं सुनते हैं, थोड़ा कम सुनते हैं, तो इनसे जोर जोर से बोलना पड़ेगा हम लोग को। रोट रोट ला निकाल बिना दादा, इतना बड़े बड़े ला है एकदम सुनबे नहीं कर रहे यार, तो कितना जोर जोर से चिल्लाओ। तो दोस्तों, जब भी हम लोग के घर में मछली पकड़ना रहता है तो हम लोग इन्हीं दादा को बुलाते हैं मछली पकड़ने के लिए, और ये बहुत ही अच्छा मछली पकड़ने के लिए जानते हैं और ये बचपन से मछली पकड़ते आ रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पहले बार ही ये जाल फेंके हैं तो इसमें मछली अच्छे से नहीं पकड़ाया हुआ है, सिर्फ छोटा छोटा ही मछली पकड़ाया है, क्योंकि दोस्तों तालाब में बहुत ज्यादा पानी हो गया है, इसी के वजह से मछली नहीं पकड़ा पा रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी कितना ज़्यादा मछली पकड़ाया हुआ है और इस जाल में बड़ा बड़ा मछली भी है, और भी तालाब में बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा मछली हैं, लेकिन वो तालाब के अंदर एकदम बीच में चले जा रहे हैं, इसीलिए छोटा छोटा ही मछली पकड़ा पा रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग पूरा मछली अच्छे से पकड़ चुके हैं और रोशनी के दादी जो मछली पकड़ दिए हैं उनको दे रहे हैं सब्जी खाने के लिए, तो ये भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं कि आज मेरे घर भी मछली बनेगा। और इधर देखिए दोस्तों, रोशनी की दादी सभी लोगों के लिए मछली को बराबर बांट दे रही है, और बाजी लोग के लिए, हम लोग के लिए और अलीजा लोग के लिए। ये देखिए दोस्तों, सभी लोगों के लिए मछली अच्छे से बटा गया है, तो चलिए इसको अच्छे से रख देते हैं, फिर जल्दी से नाश्ता भी कर लेंगे, और मैं अभी तक नाश्ता भी नहीं की हूँ। तो
चलिए दोस्तों अब नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। और आज नाश्ता में मैं कुछ भी नहीं बनाई हूँ, तो मैं चावल से ही नाश्ता कर लेती हूँ। और आज बहुत ही ज्यादा गर्मी लगा इसीलिए मैं रोटी वगैरह भी नहीं बनाई हूँ। और ये देखिए मैं टेस्टी टेस्टी इमली का चटनी भी पीस ली हूँ, तो इसे मैं खाऊंगी। और बच्चे लोग भी उधर नाश्ता कर चुके हैं, सिर्फ मैं ही बच गई हूँ, तो अब मैं भी जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ। तो दोस्तों आज मैं नाश्ता नहीं बनाई हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा था और टाइम भी नहीं मिला, तो चावल से ही नाश्ता कर लेते हैं। और रात का आलू अंडा का सब्जी है और इधर इमली का चटनी है, तो इसी से नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करने में भी मजा ही आ जाएगा। दोस्तों नाश्ता करने के बाद जो सासू अम्मा हम लोग को मछली दिए थे, तो इसको मैं अच्छे से धो के साफ सुथरा कर दी हूँ। तो चलिए अब इसको तल के रख देती हूँ, फिर शाम को इसी का सब्जी बनाऊंगी। और अभी तो थोड़ा बहुत ज्यादा धूप तेज है, तो अभी हम लोग थोड़ी ही देर में बोर्ड देने के लिए जाएंगे सभी लोग घर के। तो चलिए इसको पहले तल के रख देते हैं, फिर शाम को इसी का सब्जी बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों अभी इसको तल कर रख देते हैं, फिर रात के खाने में इसको बनाएंगे। और दोस्तों हम लोग का तालाब का मछली बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में, तो आज तो मजा ही आ जाएगा। देखिए दोस्तों आज ही मैं अपने आंगन का अच्छे से लिपाई पुताई की थी। और ये देखिए अभी का मौसम कितना ज्यादा खराब हो गया है, एकदम से बहुत ज्यादा हवा तूफान चल रहा है, एकदम काला बादल किया है, ऐसा लग रहा है कि बर्फ और पानी साथ में ही गिरेगा। और दोस्तों आज गर्मी भी बहुत ही ज्यादा लग रहा था, तो इसीलिए आज हवा तूफान चल रहा है और लगता है कि पानी तो बहुत जोरों से ही गिरेगा। तो ये देखिए दोस्तों आज कितना अचानक से मौसम खराब हो गया है। उधर मैं सभी कपड़ों को बाहर में सुखाई हूँ, तो जल्दी से मैं इसको उठा लेती हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा हवा तूफान चल रहा है, तो पूरा कपड़ा इधर उधर उड़ा जाएगा। तो दोस्तों मैं इधर छानी में सरसों भी सुखवाई थी, तो इसको मैं भूल जा रही हूँ, तो इसको भी मैं जल्दी से उठा लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं बाहर क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हवा तूफान चल रहा है, तो कच्चा कच्चा आम भी गिरा होगा, तो उसको भी उठा कर ले आएंगे। और दोस्तों वो आम को छील के सुखवा कर उसका अमचूर पाउडर बनाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों आम अच्छे से पक भी नहीं पा रहा है और अभी से पूरा आम गिर जा रहा है, तो मैं सभी आम को अच्छे से उठा लेती हूँ, कम से कम अमचूर बनाने का तो काम आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं बगीचा के साइड क्योंकि उधर ज्यादा आम का पेड़ है, तो उधर ज्यादा आम गिरा होगा। और ये देखिए दोस्तों इधर आलिया भी उठा रही है आम और हनी भी उठा रहे हैं, इधर बहुत सारा आम गिरा हुआ था। तो चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी आम को उठा लेते हैं, जल्दी से बारिश भी शुरू हो जाएगा लगता है। तो ये देखिए दोस्तों इधर एक आम गिरा, वो गिर के फट गया है, तो इसको मैं टेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि ये आम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मीठा है और ये कच्चे में भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों सच में ये आम बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप सबको कच्चा आम पसंद है कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं घर क्योंकि अभी बारिश भी शुरू हो गया है। तो ये देखिए दोस्तों आखिर बारिश हो ही गई और फिर से आंगन हम लोग का खराब हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा कीचड़ हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों बारिश के वजह से हम लोग का आंगन का क्या हाल हो गया है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा हाफिज़, बाय।